मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ रहा हूँ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात प्राण जल चले जाएंगे लेकिन हमारा वचन झूठा नहीं होना चाहिए। सही बात है। और यही सेम चौपाई पाकिस्तान के संविधान में लिखी हुई है। बिखारिस्तान रीत सदा चली आई, आटे की लाइन में लग जाई लेकिन कश्मीर कश्मीर ना जाई। भारत में रहने वाले उसके अपने मुसलमान शहरियों की जो हालत है और जो हालात हैं, यकीन जानिए काबिले तरस है, तरस आता। और शास्त्रों में इसे ही जाहिलता कहा गया है। मगर क्यों? अपनी पड़ी नहीं लेकिन इंडिया के बारे में दिन रात कोसते रहते हैं। मैं जानता हूँ पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की आर्मी ने पता नहीं कौन सा ऐसा चूर्ण दे दिया है कि इनके दिमाग से कश्मीर निकलता ही नहीं है। भले इनकी आटे की लाइनों के अंदर लोग आज भी मर रहे हो, मर रही है। अब आपने आटे के थैले की बात सुनी होगी, आटे के थैले के आपको पता लेते हुए फैसला बाद में दो बंदे मरे हैं। एक बुजुर्ग बंदा था, बेचारे से सांस ही लिया जा रहा था, वो आटा लेने के लिए मर गया, एक फ्री आटा के लिए। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये बंदे कश्मीर कश्मीर करना नहीं छोड़ेंगे। G20 की कश्मीर की भव्यता को देख के ये पाकिस्तानी दिमाग से पैदल हो चुके हैं, इन्होंने अपने होश गंवा दिए। मगर जुल्म होता रहा। तो चलते हैं पाकिस्तान और इन पाकिस्तानियों की राय देखते हैं। इस वक्त महंगाई है, बेरोजगारी भी है, सारा कुछ है। तो हम जो हमारा जो कश्मीर के ऊपर ये मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, कभी कुछ कहीं कुछ बात करते हैं, कभी हम चाइना को कहते हैं कि जी आप G20 में शिरकत ना करो, कभी हम सऊदी अरब को बोलते हैं, कभी तुर्की को बोलते हैं, तो ये सारा कुछ करके क्या हम कश्मीर को हासिल कर पाएंगे? या हमें जो इंडिया के साथ बैठना चाहिए, इंडिया के साथ बात करनी चाहिए, इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, या ऐसी हम ये लॉबिंग करते रहेंगे और सारा कुछ अपना नुकसान खुद करते रहेंगे? नहीं, इंडिया का तो इसमें, इंडिया के साथ तो आप बैठे, इंडिया के अब आप गए हैं तो इंडिया वालों ने तो, इंडिया के जो से वजीरे फौरन थे उन्होंने तो आपके साथ बात करना मुनासिब नहीं समझा। बात इंसानों से की जाती है मेरे भाई, आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले प्रवक्ताओं से नहीं की जाती है। हलवा पकाओ, हमारे जयशंकर जी ने तो दो टूक उसी समय बोल दिया था। एज अ फॉरेन मिनिस्टर of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan. और कितनी बेइज्जती कराओगे अपनी, ये बता दो आप तो। Okay. Propaganda मुहिम चला है पिछले दो दिन से कि एक तो बारिश सिर्फ सिर्फ कराची में होता है, भाई बारिश से नुकसान सिर्फ और सिर्फ कराची से होता है। किसी ने ये कहने को कहने तक महसूस नहीं किया कि हमें ये कहना चाहिए। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है, तो पानी का बहुत सा आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है। बस कर कांटू। इतनी बेइज्जती होने के बाद तो बंदे में शर्म होती है, लेकिन ये तो ठहरे पाकिस्तानी, शर्म तो इनमें है ही नहीं। यू आर राइट ब्रो। फिजा खलीफा की तो एक दिन आंखों में आंसू आ गए थे कश्मीर कश्मीर करते करते। अच्छा, ऐसा चूर्ण चटा रखा है इन पाकिस्तानियों को कश्मीर के नाम का। कश्मीर ना कभी भारत का था और ना कभी होगा। कश्मीरी ना कभी भारत को कबूल करेंगे और ना ही भारत को गले लगाएंगे। कश्मीरी ना कभी झुकेंगे और ना कभी बिकेंगे। चल बस, रुलाएगा क्या? इससे आपको अपनी इमेज का और उनके दिलों में जो नफरत है इसका अंदाजा हो जाता है। आपको पता है, वैसे आप लॉयर हैं, कि क्या वजह क्या कि इंडिया के लोगों के या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनके लिए, उनके हमारे लिए क्या नफरत, क्यों है नफरत? उनके हमारे लिए इस बात से नफरत है कि पाकिस्तान में उनके यानी कि हम उनको बुरा समझते हैं एक किस्म का, और ऊपर से कुछ रिलीजन भी आ जाते हैं इसमें। इसमें ये तो ऐसी चीज़ें नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जो वो हम कहते हैं कि जी ये जो इंडिया के अंदर जो कुछ हालात खराब होते हैं या कुछ बम धमाके वगैरह या राजौड़ी के अंदर भी एक अटैक हुआ, वो
इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो वो पाकिस्तान को एज अ टेररिज्म तस्लीम करता है ना, ये इल्जाम है पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान को अपनी पोजीशन मेरे ख्याल में क्लियर करनी चाहिए, ना कि हम मुंह कह रहे हैं ना, मुंह पंजाबी कहते हैं कि मुंह बटा के उधर बह जाओ या कुछ इस तरह करें, तो सारे ये मामला को सेटल करने चाहिए ना हमें। वो पाकिस्तान को बीट इसलिए भी थोड़ा सा अगेंस्ट है, उनकी आर्मी काफी ज्यादा वीक है हमारी आर्मी के गेम। क्या है जहालत, जब ये पढ़ा लिखा लग रहा बंदा। वो कैसे, आपको कैसे पता चला? हमारी आर्मी, अब आप हमारी आर्मी को देखें, हमारी आर्मी ब्रेव है और क्या। अच्छा जी, ये देखें। खुद ही हंस रहे। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तुम्हारी आर्मी कितनी ब्रेव है इस बात का पता 1971 में लग जाना चाहिए था तुम्हें कि तुम्हारे दो मुल्क के दो टुकड़े हो गए। सही बात है यार। वो फौज जो दुनिया की नंबर वन आर्मी है। मैं अगर लड़का होता ना तो एक ही चीज बोलती आपको, अजी मेरा। जहाँ तक मुझे लगता है पाक आर्मी ने पाकिस्तानी आवाम के दो 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 शॉट लगाए हैं और एक एक पर्चा इनकी जेब में डाल दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी नंबर वन है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल कि पाकिस्तान का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? अगर तो हमारी इकोनॉमी इस तरह नहीं, हम ना स्टेबल हो पाए, तो इसका मतलब हम डिफॉल्ट हो जाएंगे और हमें IMF के कर्जे उतारते रह जाएंगे। अब जो बच्चा पैदा भी होता है उसके सर पे भी कर्जा होता है, तो इसका यही चाहिए कि हुकूमत को, ये पॉलिटिशियंस को, जो हमारा वजीर आजम आए, इमरान खान आए, वट एवर, शहबाज शरीफ आए, जो भी आए, उसको चाहिए कि बस मुल्क की परवाह करे। जैसे अब आपने अभी इंडिया का जिक्र किया, इंडिया में अब अवाम को राइट्स मिलती हैं, अवाम पे इतना टैक्स नहीं है। उनकी आप इकोनॉमी देखें और हमारी इकोनॉमी देखें, आप ये आज से कुछ 5-10 साल पहले चल जाएं, उस वक्त हमारी इकोनॉमी देखें और उनकी देखें, बेटर डिफरेंस आपको नज़र आएगा। इसलिए बस यही आपके हुकूमत से कहना चाहेंगे कि बस अपनी इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दें और मुल्क को स्टेबल करें, और ये आपसी जो लड़ाइयाँ हैं इनर आउटर मैटर, ये बाद में देखें, पहले अवाम को देखें। तो ग्रीन अवाम मर रही है। अब आपने आटे के थैले की बात सुनी होगी, आटे के थैले के आपको पता लेते हुए फैसला बाद में दो बंदे मरे हैं, एक बुजुर्ग बंदा था, बेचारे से सांस ही लिया जा रहा था, वो आटा लेने के लिए मर गया, एक फ्री आटा के लिए। और अभी अभी ये बंदा बोल रहा था इनकी आर्मी नंबर वन है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? आटे के लिए तुम्हारे मुल्क में लोग मर रहे हैं, किस मुंह से तुम अपनी आर्मी को नंबर वन बोलते हो बेशर्मो? तुम्हारी आर्मी करप्शन में नंबर वन है। yes! तुम्हारी आर्मी बुजदिली में नंबर वन है। yes! तुम्हारी आर्मी पीठ दिखाने में नंबर वन है। yes! तुम्हारी आर्मी सरेंडर करने में नंबर वन है। yes! तो अब पता चल गया ना तुम्हारी आर्मी किन चीजों में नंबर वन है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ तो भाई लोग, कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इनको पहन लीजिए। पाकिस्तान को पहनना पुण्य का काम होता है, इसलिए इस पुण्य का लाभ आप भी उठाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।